सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डेट आपकी 16 जनवरी। टाइम हो रहा है 9:10 और अभी फ़िलहाल मैं बीच पे आया हूँ। ऐसा कुछ मॉर्निंग व्यू है जो कि कल हमारा मिस हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। वो देखिए कैसे वहाँ पे वेव्स बन रही हैं उस जगह पे। मैं सोच रहा था उधर जाऊँ बट मुझे कोई रास्ता वैसा दिख नहीं रहा है। देखेंगे अभी अगर हो सकेगा तो। फ़िलहाल ये रेस्टोरेंट है, वो देखो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं सीट लेके। ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट करा जाएगा। और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। फिलहाल वेव्स बन रही हैं यहाँ। वेव्स इस वेले बीच पे बहुत छोटी छोटी सी हैं। जो हम लोग लास्ट टाइम रात को हम कोटले बीच गए थे वहाँ पे वेव्स काफ़ी अच्छी अच्छी थी। बड़ी वेव्स थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज। यहाँ पर कम है, इसमें भी शायद जो ओम का टेक्स्चर बना है उस वजह से यहाँ उतनी वेव्स नहीं बन पा रही हैं। अच्छा है लेकिन पीसफुल बीच है ये। यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती। इस वाले पोर्शन में भीड़ होती है, वो जो नेक्स्ट ओम वहाँ पे उधर वहाँ पे है ओम, उसमें कम भीड़ होती है। तो वहाँ पे हो सकता है जाएँ। आज प्लान है पैराडाइज बीच जाने का। पैराडाइज बीच जाएंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो एक मंदिर है यहाँ का शंकर भगवान का, फेमस शिव जी का, वहाँ जाएंगे। उसके सामने भी मेन बीच है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल यही है, आगे बने रहिए, दिखाते हैं और अच्छे अच्छे व्यूज़। तो हम लोग आ चुके हैं अपने डाइनिंग एरिया में। शिवम और राहुल बैठे हुए हैं, चाय पी जा रही है। बाकी कुछ ऐसा व्यू है, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है डाइनिंग एरिया से। नाइस, ये देखिए कैसे सनस्क्रीन लगाई जा रही है, बहुत थोप थोप से बिल्कुल। अब एक्चुअली फोटो आ रही है, सही दे यार, करवा लूंगा पैसे भैया, तुम समझ ही नहीं। वीडियो वीडियो ऐसे नहीं, ऐसे सही है, सही है।
चलो। तो फाइनली ओम बीच पे आ गए हैं हम लोगों ने अभी क्या बोलते हैं जेट स्की करी मैंने और बम्पी राइड करी हम मैंने और अमित ने बम्पी राइड करी थी और मैंने अकेले जेट स्की करी थी भाई ऑसम था जेट स्की तो भाई साहब इतनी दूर ले गया था ना वहाँ पे बिल्कुल कोने में जहाँ तक दिख रहा है ना वहाँ तक ले गया था भाई मज़ा आ गई। और राहुल और शिवम ने वो कायकिंग करी थी अपनी ये लोग भी काफ़ी अंदर तक गए थे कायकिंग खुद करनी पड़ती है तो अच्छा था यार मज़ा आ गया। अभी हम लोग दूसरे बीच पे आए हैं वो जो जेट स्की वगैरह होती है वो उस साइड वाले बीच पे होती है अभी हम लोग दूसरे से ओम के सेक्शन में आए हैं टॉप वाले पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है खाली खाली है बीच अपना हम लोग यहीं नहाए धोएंगे अभी बस बताते हैं आगे इंजॉय करते हैं अभी यहाँ कैफ़े किसी किसी कैफ़े में जाएंगे कई सारे कैफ़े हैं यहाँ कुछ लंच वंच करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे मंदिर है यहाँ पे शिव जी का वहाँ भी जाया जाएगा। चलिए आपको मैं वीडियोज़ वगैरह इसमें डालूंगा देखिएगा काफ़ी अच्छी वीडियोस बनी थी क्या हो सकता है आप देख भी चुके हों इसमें अभी तक। चलिए मिलते हैं बाय। सो फाइनली अभी एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए हैं कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से ये देखिए आप कैफे है फलाफल हमस। सो दिस इज़ माय फलाफल पीटा ब्रेड एट द बीच। नाइस ना इट्स ऑसम। वेट अ मिनट ऑसम मैन कैसा रहा एक नंबर बाबा मुझे मैं बताता हूँ कैसा रहा bring it closer trip is getting successful yes after every fucking winner Yeah, this is how we roll. सो हाय गाइस अब हम लोग ये ओम बीच के टॉप पे आए हैं यहाँ से एंट्री होती है ये देखिए और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी दूर तक दिख रहा है सही है चाय विद द व्यू नाइस
एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट पाए हैं हम लोग। देखिए ये है व्यू पॉइंट, ये है खूबसूरत नजारा। सनसेट का टाइम है, हम लोग काफी पीक पे आ चुके हैं ना। बढ़िया नाइस मैन। सो अभी हम लोग एक और कैफ़े में आए हैं जो कि गोकर्णा मेन बीच पे है। आप देख सकते हो ऐसा व्यू है यहाँ पे, पूरा अच्छा कैंपिंग एरिया टाइप का बन रखा है पूरा। और हाय मैं दिशांत, आप लोग ब्लॉग देख रहे हो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बताइए क्या क्या नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ है व्यू, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, सॉरी कैफ़े। और अभी हम लोग की टाइम हो रहा है 6:07:03 बचे हैं और 7:30 तक हमें बस पिकअप पॉइंट तक पहुंचना है, वापस बेंगलुरु आज निकलना है। भाई छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, दो दिन का ही समय बिताया, काफ़ी अच्छा रहा, दो दिन भी पूरे नहीं बिता पाए यहाँ पे, लेकिन बट बहुत ही सुंदर व्यू है। ये देखिए ये लोग बढ़िया हैं, सब खा पी रहे हैं। अब आ गए हैं चीज़ मसाला डोसा खाने। अच्छा इधर का नहीं खाया, ये देखिए एंड दिस इज रवा मसाला डोसा, चीज़ मसाला एंड घी मसाला। अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने, राहुल नहीं खा रहा है, वो सिर्फ कॉफ़ी पिएगा, वो दुपी। कैम गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, अच्छा है बोर्ड लगाया, अराइवल गो एयर फ्लाइट है, स्टारबक्स वगैरह है जो कि हम जाएंगे नहीं। देखते हैं आगे चल के बताते हैं। सो फाइनली अब हम लोग सिक्योरिटी चेक इन पार कर चुके हैं और मेरे बैग से अभी टेलकम पाउडर निकाल दिया गया, पता नहीं वो क्या इसमें डिटेक्शन टेस्ट कर रहे थे, अंकल मिला होगा चेक कर रहे थे उसको लगा के, बाद में देखा स्कैन किया तो टेलकम पाउडर था नाइसिल वाला, तो वो निकलवा दिया है। बाकी देखते हैं अंदर क्या क्या है, घूमते हैं। सो हम लोग अभी लॉन्च में आ गए हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है,
बनाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं क्या क्या है। सो अभी हम लोग लॉन्च एक्सेस में हैं, चिकन पराठा एंड विद अ व्यू, ये देखिए काफ़ी अच्छा है। लंच हम लोग ने खाला खा लिया है, बढ़िया चिकन था, मज़ा आ गई। अब एग्जिट कर रहे हैं। जैक एंड जोन्स जोन्स एक्सप्रेस गेट नंबर 22 है हमारा, वहाँ जाएंगे। गो फर्स्ट आ गया है 16:25। लगेज ले रहे हैं, ट्रिप एंड हो गई है, लखनऊ लैंड कर गए हैं जस्ट। थक गए हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है। अबू धाबी से आया भाई, अबू धाबी से। सो फाइनली हम लोग लखनऊ ड्रॉप हो चुके हैं, बाहर से एयरपोर्ट देख रहे हैं आप। अब हम लोग जाएंगे मेट्रो में CCS एयरपोर्ट, वहाँ से बैठ के विश्वविद्यालय, उसके बाद ओला से अपने घर। भाई साहब अपने घर की हवा की तो बात ही अलग है यार, लखनऊ में आ गए ऐसा लग रहा है कि फील मस्त, बढ़िया फीलिंग लग रही है। चलते हैं फिर घर, मिलते हैं आप लोगों से, दिखाते हैं आपको नया वही पुराना। और इस ब्लॉग को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बताइए कैसा लगा। ओके बाय 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 बाय। बैग है, ये अहमद का बैग है, लग नहीं रहा इसमें डेड बॉडी भरी भरी है। इससे मैं 20 बार कह चुका हूँ कि बैग चेंज कर लूँ, लेकिन चेंज नहीं कर पाता है, बेवकूफ़ आदमी। लोग भी सकी आ जाते हैं, 2-10 साल है।